मुश्किल नहीं है डबल सीट लेना, क्योंकि सबका बैठने का तरीका अलग होता है, कोई कूद के बैठता है, कोई आराम से। गाड़ी को पकड़ना नहीं है आपको जो पीछे, तो चलिए आज हम डबल सीट लेते हैं। किसी को भी हम डबल सीट जब बिठाते हैं ना, तो सबसे पहले तो दोनों ब्रेक दबाना है आपको। दोनों ब्रेक इसलिए दबाना है कि थोड़ी भी फिर गाड़ी हिलती नहीं है, क्योंकि सबका बैठने का तरीका अलग होता है, कोई कूद के बैठता है, कोई आराम से बैठता है। तो अगर हम सिर्फ लेफ्ट हैंड का ब्रेक दबा के रखेंगे ना, तो गाड़ी हिल जाएगी, हमारा बैलेंस आउट होगा, हम भी गिरेंगे और बैठने वाला भी गिर जाएगा। तो सबसे पहले आपको दोनों ब्रेक दबाना है, और जो पीछे बैठ रहा है उसको बोलना है कि गाड़ी को पकड़ना नहीं है आपको, जो पीछे वाला भाग है ना वो पकड़ के रखते हैं, तो वो पकड़ के रखे ना तो हैंडल, मतलब जो चला रहा है ना उसको परेशानी होती है, हिलती है, मतलब बैलेंस नहीं बन पाता है। हाँ। तो उसको बैठना, भैया भरोसा हो तभी बैठो आराम से, और फुट रेस्ट पे पैर रखो, ऐसे लटका के हिलाना नहीं है, वो हिलाएंगे तो आप हिलोगे। हाँ। ठीक है, तो चलिए आज हम डबल सीट लेते हैं, और आपको अपना बैलेंस बनाना है, समझ में आ रहा है? पीछे कौन बैठा है, कैसे बैठा है, उससे कोई लेना देना नहीं है आपको, आपको अपना बैलेंस बनाना है। ब्रेक छोड़िए, चलिए गुड, सामने देखना है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही है, समझ में आया? मुश्किल नहीं है डबल सीट लेना, लेकिन नॉलेज नहीं होने की वजह से डर जाते हैं डबल सीट लेने के लिए। हाँ, तो यही करना है आपको, अपना बैलेंस बनाना है, और जो भी पीछे बैठ रहा है, भैया गाड़ी को अगर पकड़ना है तो मत बैठो, उतर जाओ, और फुट रेस्ट पर पैर रखवा लेना है। चलिए 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 चलिए, स्लो, पैर हवा में, तुरंत ब्रेक नहीं, अब ब्रेक, ठीक है?